दिल्ली में घुस सकते हैं जम्मू कश्मीर के आतंकवादी, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया है अलर्ट। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है आतंकवादी, जम्मू कश्मीर से ट्रक पर सवार होकर निकले हैं 4 से 5 दहशतगर्द। बस, कार या टैक्सी से दिल्ली में घुसने की फिराक में है आतंकवादी, शुरू की गई तमाम गेस्ट हाउस, होटल्स और कश्मीर नंबर के वाहनों की तलाशी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जारी है सुरक्षा बलों की मुहिम, आज 4 आतंकवादियों को किया ढेर। श्रीनगर में मुठभेड़ के दौरान मारे गए 3 आतंकवादी, शोपियां में भी 1 दहशतगर्द का सफाया। चीन को लेकर जारी है कांग्रेस का सियासी वार, राहुल गांधी के ट्वीट पर विवाद, पीएम को बताया सुरेंद्र मोदी। राहुल के ट्वीट में स्पेलिंग को लेकर गफलत, लेकिन कांग्रेस बोली सुरेंद्र मोदी ही लिखना चाहते थे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष। 15 जून को जब हमारे 20 जवान शहीद हुए लद्दाख की सीमा पर, उसके बाद प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी कि हमारी सीमा में कोई आया ही नहीं, से क्या साबित होता है? पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी आग बबूला, कहा कांग्रेस ने देश का किया है अपमान, मांगनी चाहिए माफी। ये कांग्रेस और राहुल गांधी के खानदान के लोगों के कारण आज भारत माता का बहुत बड़ा भूभाग जम्मू कश्मीर का चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है। नरेंद्र मोदी साहब ने तो घुस के पाकिस्तान को मारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ की बैठक, एलएसी पर हालात को लेकर माथापच्ची। राजनाथ सिंह के घर उच्च स्तरीय बैठक के लिए लिए गए हैं कई अहम फैसले, चीन की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए तैयार है फौज। एलएसी पर चीनी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना को मिली खुली छूट, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं की नीति का होगा पालन। एलएसी पर फौज को हथियारों के इस्तेमाल की भी मिली छूट, हालात के मुताबिक फील्ड कमांडर ले सकते हैं फैसला। चीन से झड़प के बाद सैन्य बलों को सरकार ने जारी किया इमरजेंसी फंड, 500 करोड़ तक की हथियार प्रणाली खरीदने की मंजूरी। चीन के खिलाफ जारी है नाराजगी, कोलकाता में चीनी वाणिज्य दूतावास के बाहर जलाया गया चीनी राष्ट्रपति का पुतला। मुरादाबाद में हिंदू संगठनों ने चीनी राष्ट्रपति की निकाली शव यात्रा, चीन सरकार के खिलाफ जोरदार नाराजगी। दिल्ली में चीनी दूतावास के करीब विरोध प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड जवानों ने खोला मोर्चा। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मामले, 4,10,000 से ऊपर पहुंचा कुल आंकड़ा। बीते 24 घंटे में 306 लोगों की मौत, अब तक 13,254 लोगों की जान ले चुका है कोरोना वायरस। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3800 से ज्यादा मामले, कुल आंकड़ा 1,28,000 के पार, अब तक 5,984 लोगों की मौत। दिल्ली में फुल स्पीड में है कोरोना, 24 घंटे में 3,630 नए मामले, 56,746 पहुंचा आंकड़ा, अब तक 2,112 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र की पैनी नजर, गृहमंत्री अमित शाह ने ली उच्च स्तरीय बैठक। गृहमंत्री की बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के सीएम रहे मौजूद, दिल्ली के उपराज्यपाल और अधिकारियों ने भी की शिरकत। कोरोना संकट के बीच भारत समेत पूरी दुनिया में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग एट होम और योग विद फैमिली रही थी। योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया एकजुटता और विश्व बंधुत्व का संदेश, बोले कर्म की कुशलता और निष्काम भाव ही योग है। पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के दौर में योग को बताया फायदेमंद, कहा योग क्रिया में प्राणायाम को जरूर करें शामिल। योग की ये सभी विधाएं, ये तकनीक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करते। चीन से तनातनी के बीच पैंगोंग झील में मनाया गया योग दिवस, स्थानीय गांव वालों ने किया आसन और प्राणायाम। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर भी दिखा आईटीबीपी के जवानों का जोश, बर्फीले पहाड़ों से घिरे धरती के बीच मनाया गया योग दिवस। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी किया योग, बोले कोरोना से जंग में बेहद अहम है योगा, भारतीय धरोहर को दुनिया ने अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आईटीबीपी के जवानों ने बर्फीली सतह पर किया योग, खारडुंगला में 18,000 फुट की ऊंचाई पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ध्यान।
उत्तराखंड के वसुधारा में 14,000 फुट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने किया योग, झरने के आगे ध्यान की मुद्रा में दिखे। अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर में अद्भुत नजारा, घोड़े पर योग करते दिखे आईटीबीपी के जवान। कोरोना वायरस की वजह से योग दिवस पर नहीं हुआ कोई भी सरकारी कार्यक्रम, लेकिन घर पर योग करते नजर आए केंद्रीय मंत्री। कोरोना संकट के बीच क्वारंटीन सेंटर में भी मनाया गया योग दिवस, कोरोना संदिग्धों ने प्राणायाम से बीमारी भगाने की खाई कसम। वडोदरा में ऑनलाइन योग दिवस का आयोजन, योग की थीम पर बनाई गई रंगोली। विदेशों में भी मना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग में आयोजन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मनाया गया विश्व योग दिवस, छात्रों ने पूरे मनोयोग से किया योगासन। वाराणसी में गंगा की लहरों पर जलयोग का अनोखा प्रदर्शन, जलयोगी छेदी बाबा ने खींचा दुनिया का अपनी ओर ध्यान। इंदौर पर फिर टूटा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 41 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, 4,329 पर पहुंचा मामला, अब तक 197 की मौत। दिल्ली की जेल में कोरोना से पहली मौत, उम्र कैद की सजा काट रहे 62 साल के कैदी की जान गई। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 539 नए मामले, 26,680 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 809 नए मामले, 16,594 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 441 नए मामले, 13,531 पर पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक 540 की मौत। देश में दिखा सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा, धरती और सूर्य के बीच चांद आने से आसमान में आग के छल्ले जैसा दिखा सूरज। देश के अलग अलग हिस्से से आई रिंग ऑफ फायर की तस्वीरें, दिल्ली में सूरज का 94% हिस्सा ढका। जयपुर में धीरे धीरे चांद से ढकता गया सूरज, दिन में कुछ पल के लिए छा गया अंधियारा। अमृतसर में सूर्य ग्रहण की दिखी शानदार तस्वीर, सूरज को धीरे धीरे ढकती गई चांद की छाया। सूर्य ग्रहण के बाद लोगों ने गंगा में लगाई डुबकी, दान पुण्य करने के बाद भक्तों ने किया भोजन ग्रहण। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के दौरान ब्रह्म सरोवर में खड़े रहे श्रद्धालु, ग्रहण काल खत्म होते ही लगाई डुबकी। सूर्य ग्रहण के बाद खुल गए मंदिरों के कपाट, करीब 18 घंटे के बाद की गई भगवान की पूजा आरती। पाकिस्तान के कराची में सूर्य ग्रहण का दिखा अद्भुत नजारा, चंद्रमा की छाया में दूज के चांद जैसा नजर आया सूरज। अफ्रीकी देश कांगो से हुई सूर्य ग्रहण की शुरुआत, भारत के बाद चीन ताइवान होते हुए प्रशांत महासागर के मध्य में समापन। 5:49 था सूर्य ग्रहण का काल, कैमरे के अलग अलग लेंस से आसमान में दिखे तरह तरह के नजारे। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में गला रेत कर 92 साल की महिला की हत्या, पति घायल, घर का गार्ड वारदात के बाद से फरार। गाजियाबाद में पति ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। भिंड में मामूली बात पर दो गुटों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों ने ली दो लोगों की जान, पानी की पाइप के ऊपर से ट्रक निकालने पर हुआ था झगड़ा। तरन तारण में भाई ने की भाई की हत्या, खेत में जुताई को लेकर शुरू हुआ था झगड़ा, खूनी जंग में बदला। बरेली में दबंगों ने किसान को उतारा मौत के घाट, फरसे से काटकर की हत्या, भाई ने कहा पुलिस की लापरवाही की वजह से गई जान। अमृतसर के गुरु बाजार में ज्वेलरी की दुकान पर बदमाशों का हमला, बंदूक की नोक पर सोना लूटा। बाराबंकी में दो छात्रों ने एक महिला टीचर से लूटा मोबाइल, अवैध मार्कफ्रंट के दौरान दोनों गिरफ्तार। पानीपत में एटीएम मशीन उखाड़ ले गए चोर, एक हफ्ते में 2 ATM चोरी, पुलिस को अब तक नहीं मिला है कोई सुराग। लखनऊ में लग्जरी कार पर हाथ साफ करने वाले गैंग के बदमाश हुए गिरफ्तार, 10 करोड़ की कीमत की गाड़ियां बरामद। बरनाला में एक घर से लाखों के गहने, नकदी और एक्टिवा ले उड़े बदमाश, सोते वक्त परिवार के लोगों को नशीली दवा सुंघाकर किया बेहोश। सोनीपत में बैंक ऑफ बड़ौदा की एटीएम मशीन चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, बदमाशों ने पैसा निकालकर मशीन को रोड पर छोड़ा। चोरी का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक की चाकू मारकर उसे जख्मी किया, बहादुर युवक के शोर मचाने पर पकड़े गए चोर, घायल युवक की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सत्ता में पौड़ी के सरपंच के घर छापा, अवैध शराब में इस्तेमाल की जाने वाली 7200 लीटर स्पिरिट बरामद। जोधपुर में हनी ट्रैप के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार, एक कारोबारी के बेटे का अश्लील वीडियो बनाकर कर रहे थे ब्लैकमेल। जालौर पुलिस ने
नकबजनी करने वाले तीन चोरों को पकड़ा, 35 लाख से ज्यादा का सोना किया बरामद। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री ने औरंगाबाद की खाद दुकान में किसान बनकर मारा छापा, कई दिनों से मिल रही थी शिकायत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुरी के शंकराचार्य ने जताई आपत्ति, कहा रथ यात्रा रद्द करना हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़। 24 घंटे में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए डीयू की वेबसाइट पर 57,000 छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन, 4 जुलाई तक जारी रहेगी प्रक्रिया। मसूरी देहरादून भूस्खलन से हड़कंप, कैमरे में कैद हुई पहाड़ गिरने की तस्वीरें, 6 घंटे तक ठप रहा रास्ता। उत्तराखंड के बागेश्वर में जबरदस्त बारिश से 4 सड़कें बंद, लोगों की बढ़ी मुसीबत। दिल्ली के कई इलाकों में अचानक बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से लोगों को मिली राहत। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, दिन में छा गया अंधेरा। डेवलप जमीन पर प्लॉट बेचने पर देना होगा जीएसटी, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का फैसला। एयर इंडिया ने कर्मचारियों को दिया ऑप्शन, हफ्ते में 3 दिन काम करें और 60% सैलरी लें। लगातार 15वें दिन बढ़े तेल के दाम, डीजल की कीमतों में 60 पैसे की बढ़ोतरी, पेट्रोल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर इजाफा। चाय के निर्यात में 5.6% की कमी, पिछले वित्तीय साल के 254 मिलियन किलो के मुकाबले इस साल 24 मिलियन किलो पर पहुंचा आंकड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरोना को लेकर फिर चीन को घेरा, कहा जानलेवा वायरस को दिया कुंग फ्लू का नाम। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कोहराम, 90 लाख के करीब पहुंचा संक्रमित मरीजों का आंकड़ा, अब तक करीब 4,66,000 लोगों की जान गई। अमेरिका में 23,30,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक करीब 1,22,000 लोगों की मौत। ब्राजील में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 10 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज, 50,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना संकट के बीच ब्राजील में विरोध प्रदर्शन, रियो में स्वास्थ्य कर्मियों ने राष्ट्रपति बोलसोनारो के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर रूस, अब तक 5,84,000 से ज्यादा लोगों को वायरस ने बनाया शिकार। रूस में मनाया गया मेडिकल वर्कर डे, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की। कोरोना महामारी के बीच सऊदी अरब ने लॉकडाउन में किया ढील का ऐलान, खोल दी गई मस्जिदें, आर्थिक गतिविधियां भी शुरू। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में फिर से लॉकडाउन का ऐलान, कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार का फैसला। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मशरफ मुर्तजा कोरोना वायरस से संक्रमित, 2 क्रिकेट खिलाड़ी नजमुल इस्लाम और नफीस इकबाल भी पॉजिटिव। मैक्सिको में कोरोना से 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 1,70,000 से ज्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण। नस्लवाद के खिलाफ दुनिया भर में लगातार जारी है विरोध प्रदर्शन, पेरिस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत। लंदन में भी नस्लभेद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर नाचते गाते दिखाई दिए प्रदर्शनकारी। अर्जेंटीना में कोरोना महामारी के बीच अजीबोगरीब प्रदर्शन, ब्यूनस आयर्स में हजारों कार सवार लोगों ने पूरे शहर को कर दिया ब्लॉक। कोरोना संकट के बीच ट्रंप ने फिर शुरू की चुनावी रैली, ओक्लाहोमा में लोगों को किया संबोधित। ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका, कोर्ट ने पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन की किताब पर रोक लगाने से किया इनकार, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में किए गए हैं कई खुलासे। ब्रिटेन के रीडिंग में चाकू से किए गए हमले में 3 लोगों की मौत, पुलिस ने आतंकी हमला मानने से किया इनकार, 1 आरोपी गिरफ्तार। फ्लोरिडा में ट्रैकिंग ट्रांसमीटर लगाकर समंदर में छुड़ा गया 1 दुर्लभ प्रजाति का कछुआ, दोबारा पकड़े जाने से बचाने की कवायद। रूस के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, डूब गई राजधानी मॉस्को की सड़कें भी।